प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है राजनीति विज्ञान, उसका अध्याय नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो चलिए देखते हैं कि संस्थाएं कैसे काम करती हैं, उनका कामकाज किस सिस्टम से जो है चलता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। परिचय। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है, उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। तो चलिए करते हैं आगे। हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि किस तरह के वह काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज़ कम और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह से ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं, और कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तरह की संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए अपने प्रदेश की सरकार के कामकाजों के उदाहरणों पर भी नजर रख सकते हैं आप। ओके, चलिए देखते हैं फिर प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, एक सरकारी आदेश। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है, OM नंबर 36012-3190। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का था, मगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूलों में देखे होंगे। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया, देखिए ये वो आदेश है, इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए आरक्षित होगी, और अब तक जिन जाति समूह को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का नाम और एक और नाम SEB सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को मिल रहा था, अब SEB या सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इसके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। निर्णय करने वाले कौन थे? तो इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इसका इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। अब एक बार इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नज़र डालते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इससे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। देखिए कुल मिलाकर के ये क्या कहना चाहता है कि बहुत सारे मंत्री होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा के और कुछ राज्यसभा के।
और जो लोकसभा होती है यहाँ, इनका सभी का प्रमुख नेता कौन होता है? इनका प्रमुख नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कि मुख्यतः सरकार का मुखिया होता है, यानी कि जो मुख्य रूप से सरकार के जो भी अधिकार होते हैं उनका यूज़ करता है। अधिकतर निर्णय जो हैं वो इन्हीं से जो है पारित होकर के आते हैं। तो चलिए, इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। राष्ट्र संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, ये हम जानते हैं। यानी कि जो संसद होती है, मान लीजिए ये संसद है, तो इसमें इसका एक अंग होता है लोकसभा, दूसरा अंग होता है राज्यसभा और इसका तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? संसद का। और प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना ज़रूरी होता है। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे, इसके बारे में पता करते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 देखिए यहाँ पर 1989 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। सॉरी, ये 1979 है, इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आम तौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उसका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी, सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उनकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे और फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ और जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी, देखिए ये नाम थोड़ा अलग है, प्रधानमंत्री बने। इनके लिए कई घटनाएं हुए। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी किया, इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। कैबिनेट के फैसले को क्रमक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 36012-3190 तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा जो है वो बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इनके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए, इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि उससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों से अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है सरकारी नौकरियों में। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि वह निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके अवसर छिनेंगे और अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझने के लिए बता रहे हैं कि देश के प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और इन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकार निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों ने और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करने और लागू करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी।
उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया और यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेवारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ बनाकर उन्हें लागू करती हैं। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है और कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। सबके लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी ज़रूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहें। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएँ की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएँ कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएँ हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी क्या भूमिका है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं, इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं, इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है। पर यह सोच लोकतंत्र के बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीके से जो कुछ परेशानियां आती है या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएँ बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। तो बात करते हैं संसद की। क्या है संसद? कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, क्योंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था। लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने। तो इस तरह से कुछ वाक्य हम याद कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे कुछ वाक्य आए थे। यानी यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्यवाही करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में पढ़ा है, तो उसे याद करके यह कल्पना है करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। देखिए, संसद में ही जो कैबिनेट मंत्रीगण होते हैं, उनसे अगर कोई बहुमत से कोई निर्णय निकलता है तो वहीं पास होता है, वो भी राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। ये बात हमने पिछले अध्याय में पढ़ी थी। तो क्या कैबिनेट के फैसले को मंजूरी मिल जाती अगर संसद से ये पास होता ही ना? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है।
हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूद कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर उनकी जगह नए कानून बना सकती हैं। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती हैं। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जाता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद के दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें जो है चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्रों और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू किए जाते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में अध्याय पढ़ा है और अध्याय 4 में आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हमने पढ़ा था वहाँ पर 299 होती है। सदस्यों को कौन चुनता है? उनका कार्यकाल कितना होता है? लगभग 5 वर्ष का होता है। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी है? तो ये सब चीज़ें हमने पिछले अध्याय में पढ़ी थी। लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को भी कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही हैं। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है। उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है और लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या न माने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा और राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये एक संसद की लोकसभा में एक दिन की पूरी कार्यप्रणाली दिखाई गई है, या आप स्वतः जो है इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत में किए थी?
हमने पाया था कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, यह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था और उसने किसी और ने जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उसे लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों में हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा किए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के लिए इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है, राजनैतिक और स्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं, यानी जो IAS वगैरह होते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक और गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं तो और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसे होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से अपनी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। उसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे को, उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं और फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही उसका जो है निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले की भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नज़रिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नज़रिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। तो बात करते हैं हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी का गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से दूसरे मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है और बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है।
मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। बात करते हैं राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं और जिन्हें कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट मंत्री, देखिएगा यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, ये राज्य मंत्री होते हैं और ये कुछ उपमंत्री होते हैं जो छोटे मंत्री होते हैं जो कि उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूम कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है और मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया करवाते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है और विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है और सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकतर अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों को या गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। बात करते हैं राष्ट्रपति की। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है और भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है।
लेकिन राष्ट्रपति उस तरह के प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र की के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है और कार्यपालक की जो भूमिका है वो किस तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा निभाई जाती है। मुख्य जो कार्यपालक होता है वो एक्चुअल में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति तो नाम का मुखिया होता है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। इस चैप्टर का अगला भाग जो है वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।